प्राप्त हुई है कि साजन शुक्ला सन ऑफ बिंदेश्वरी प्रसाद ये अंतु थाना क्षेत्र प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, जिनके संबंध में उनके परिजनों द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इनकी मृत्यु हुई है। मैं इस घटना का खंडन करती हूँ और मैं बताना चाहूँगी कि 26 लाख की एक बैंक की लूट हुई थी पीपरपुर थाना क्षेत्र में। उसी लूट के अनावरण में साजन शुक्ला का नाम प्रकाश में आया था। ये साजन शुक्ला एक इनका साथी है जाकिर अली उर्फ गुड्डू। इसके साथ 2008 में गोमती नगर थाने से टवेरा वाहन की चोरी में चार्जशीट हुआ था और उसके बाद इनके ऊपर गैंग चार्ट भी अनुमोदित हुआ था। इनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए और घटना में संलिप्तता को देखते हुए लोकल पुलिस इनके घर पर गई और इनसे पूछताछ की और इनको थाने बुलवाया गया पूछताछ हेतु। ये और इनके दोनों बेटे थाने पर आए। इसके बाद इन्होंने बताया कि अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो इनके पुत्र इनको CHC भादर लेकर गए। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रथम दृष्टया ये देखा कि पॉइजनिंग का केस है तो उन्होंने रेफर कर दिया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, जहाँ इनकी मृत्यु हो गई। इसी संबंध में पोस्टमार्टम भी करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी और पैनल के तहत और इसमें पंचायतनामा भरवा दिया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है और इसमें उच्च स्तरीय विभागीय अधिकारियों द्वारा जाँच कराई जाएगी। यदि जांच में कोई भी पुलिस की तरफ से दोष परिलक्षित होता है तो इसमें निश्चित रूप से विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कहीं पे जो है बैंक मैनेजर और कैशियर से पैसा छीन लिया गया, पैसा छीन लिया गया। उसके बाद जो है वो उसके इन्वेस्टिगेशन में बराबर पुलिस जो है हर जगह दबी डाल रही थी, 200 रुपये पकड़ा और उनको पैसा ले लेकर छोड़ दिया। एक दो बार हमारे भाई से भी पूछा, हमारे सामने पूछा गया था, हमने कहा था जब भी आपको जरूरत होगी मैं आपके सामने उपलब्ध रहूँगा, हमारे सामने आने। उन्होंने कहा ठीक है शुक्ला जी, आप अपने घर पर रहिएगा, मैं जब भी जरूरत पड़ेगी आपको बुला लूँगा। लेकिन उसके बाद ना पुलिस कभी आई ना कुछ। कल रात में 2:30 बजे पुलिस जो है पूरे फोर्स के साथ आई है, 3 गाड़ियों के साथ, और तीनों गाड़ियों में पुलिस जो है भर करके गेट तोड़ करके ताला लगा हुआ था, पूरा गेट तोड़ दिया और उसके बाद हर कमरे में जा जा करके पूरा बिस्तर पलट दिया, छोटी सी नाती थी उसको उठा के फेंक दिया बहू का। और जैसे ही हमारे पास फ़ोन आया, हमारे बहू ने फ़ोन कर दिया कि चाचा जी पुलिस आई है, पुलिस जो है ताला तोड़ के घुस गई है। हम जैसे अपनी पत्नी के साथ आए हैं और हमने कहा कि आपके पास कोई सर्च वारंट है क्या, है कैसे है, शरीफ आदमी यहाँ फंसा रहे उनको कहीं। उसके बाद वो हमारे ऊपर गाली गलौज करने लगे, हमको मारने लगे, कहीं अपना दिमाग लगाते हो तुम, चलो पकड़ो साले को, इसको भी ले चलो यहाँ से, और मेरा मोबाइल छीन लिया, फिर पूरे घर का मोबाइल छीन लिया और मुझे 3-4 बार बैठाएंगे, लेकिन मेरी पत्नी बराबर गिड़गिड़ाते रही, हाथ जोड़ती रही, हाँ जो। उसके बाद जब जा करके जो है किसी तरह उन्होंने हमको छोड़ा, जैसे ही हमको छोड़ा तो हमारा चूँकि कांटेक्ट कहीं था नहीं, मैं भाग करके हमारे बगल में पड़ोस में विधायक विजय सिंह हैं, उनके भाई थे, उनके यहाँ गया, उनसे संपर्क करता रहा। वो कहते रहे कि ऐसा बेटा इसमें कुछ होगा नहीं, पुलिस पूछताछ करेगी, छोड़। लेकिन जब हम अपने घर से हमारा वो जो हमारे दोनों भतीजों को भी उन्होंने पकड़ लिया था, उनको लेके आया तो उसने फ़ोन किया कि चाचा आप अस्पताल में आ जाइए यहाँ पर जो है। हमने बार बार पूछा तो कुछ बोला नहीं, बाद में वो चिल्ला रो के चिल्लाने लगा पापा नहीं है, वो अकेले हो गए हैं। तब वहाँ से मैं भाग के आया हूँ और वो बात बता रहा है कि रास्ते में उन्होंने कहा कि 13 लाख रुपये तुम साले जमा करवा दो, नहीं तो तुमको भी ले जाएं, दोनों बच्चों को भी मैं सड़ा दूंगा जो है। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुए और मेरा भाई बार बार मेरा एक लड़का डॉक्टर है, वो मेरा जो भतीजा था वो कह रहा था कि सर इनको हमको अस्पताल दिखवाने दीजिए, लेकिन ना तो किसी से उन्होंने बात करवाई और ना अस्पताल जाने दिया। और उसके बाद उसको भी मारा हमारे भाई को, तो भाई से हमारा जो भतीजा था जो मिला उन्होंने कहा कि हमको लगता है कुछ उन्होंने हमको खिला दिया, मेरी तबीयत खराब हो रही है और बहुत ज़्यादा तबियत खराब हो गई, भादर भेज दे CHC और वहाँ से उन्होंने रेफर कर दिया और रास्ते में उनको लगता है यहाँ पे ला करके केवल औपचारिकताएँ कर रहे थे। आप चाहते क्या हैं? हम चाह ये रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को जिसने भी दंड दिया, 302 का केस हो, हमारे दोनों भतीजों को नौकरी मिले और कम से कम 50 लाख रुपये कंपनसेशन मिले, कम से कम 50 लाख, नहीं तो हम ना यहाँ से लाश उठने देंगे ना पोस्टमार्टम कराएंगे। कौन पालेगा हमारे बच्चों को? हमारे बच्चे ना तो एक इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, एक लड़का वहाँ पर हो रहा है, वो तो मर गए सर। हम लोगों के साथ जो व्यवहार किया पुलिस का कोई व्यवहार है? हम लोग गाली दे, हमारे मिसेज को झटक दिया जा रहा है, बच्चों के साथ उठा के फेंक दिया जा रहा है, कोई क्राइम है? हम रात में 3 बजे जो बगैर सर्च वारंट के बगैर किसी कसर के जो है पुलिस इतनी बर्बाद हो गई, इतनी बर्बाद हो गई है। हम कतई नहीं, हम तो चाहेंगे मुख्यमंत्री जी आए, हमारे बच्चों को नौकरी, साथ में पता लगा वो साथ 302 का केस, जब तक FIR कापी हमको मिलेगी नहीं हम यहाँ से लाश पोस्टमार्टम के लिए जाने नहीं देंगे किसी की, चाहे मर जाएंगे हमको संतोष है लेकिन जाने नहीं दूंगा। दो एक भाई मेरा पहले मर गया था, छोटा एक्सीडेंट हुआ था, एक भाई ये बड़ा हमारे ऊपर हाथ रखने वाला था ये भी आज चला गया, हम कैसे जिएंगे? इतनी बड़ी मुसीबत हमारे घर में आई, प्रशासन कह रही पोस्टमार्टम कराओ लेके जाओ और पुलिस कह रही है कि घर से खा गया है किसी मारे, अगर आप पुलिस दबी देगी तो वो जेब में रखे हैं साहब जहर, जेब में रखकर कोई जहर पड़ता है? आप तो आगे पकड़ हमको तो बात ही नहीं करने दे रहे हो, आप कह रहे जहर खा के आए हैं, ऐसे ऐसे अफवाह कर रहे हैं। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराया, उनसे जबरदस्ती उनसे करवाया भी है, मेरा भाजपा बता रहा है भतीजा चाचा, वो हमसे भी पूछे, हमको भी दबा, हमको भी मारा है, इनको भी मारे और वीडियो रिकॉर्डिंग कर करके और जो है बयान ले लिया है।